ईश्वर कहाँ रहता है? आपने गीता में पढ़ा है ईश्वर का जो महल है वो ईश्वर सर्वभूतानां, सबके भीतर उसका महल है, परंतु भीतर की ओर हृदय देश में है। सर्वभूतानां हृदय से जुन दुष्ट, जो तुम्हें भीतर जाने का रास्ता बताता है वो रास्ता है। भाई इतना कमाओ है ना, तुम्हारे पास जब 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, 1 अरब रुपया हो जाएगा, तब तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। जब इतने मकान बना लोगे तब तुमको ईश्वर मिल जाएगा। इतने बच्चे हो जाएंगे तब ईश्वर। अरे एक देश को किसी ने बता दिया कि जो तुम्हारा 27वां बेटा होगा वो इस देश का राष्ट्रपति होगा। तो महाराज एक पत्नी से तो जल्दी 27वां होने में बड़ी देर लगे ना, कम से कम 30-35 बरस लगा। तो इसने कहा कि नहीं, 10 पत्नी हमारे होंगी तो 10 ही बरस में 27वां हो जाएगा। ये रास्ता गलत है, संग्रह का मार्ग गलत है, भोग का मार्ग गलत है, उच्छृंखलता करने का रास्ता गलत है। अंतरदेश की ओर चलो, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अंतरदेश में है। असल में हम अपना घर छोड़ करके कहीं गए नहीं हैं, ये अविद्या का अंधकार है और इसमें मोह का नशा हो गया है और इस नशे में ऐसा लगता है कि हम कहीं पहुंच गए। ये नशा उतारना जरूरी है। तो इसके लिए एक बात आपको और सुनाते हैं, यदि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, शुद्ध शुद्ध का फर्क भी लोगों को मालूम नहीं है। जैसे हम किसी से कहें कि हमको शुद्ध पानी पीने के लिए चाहिए है और वो उसमें नारंगी का शरबत मिला के ले आवे, तो शुद्ध पानी हुआ कि नहीं हुआ है? उसमें माटी मिली हो तो शुद्ध नहीं हुआ, नींबू का रस मिला हो तो शुद्ध नहीं हुआ। शुद्ध माने कोई दूसरी चीज उसमें मिली न हो, खाली शुद्ध, अपना अंतःकरण खाली शुद्ध माने अंतःकरण में बाहर की कोई दूसरी चीज मिलाओ मत, उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों को बैठाओ मत, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को बैठाओ मत, राग द्वेष दोनों को बैठाओ मत, है ना? तब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। माने अंतःकरण तो रहे लेकिन उसमें बाहर की कोई दूसरी चीज मिली हुई न रहे। आप देखो रात को नींद टूटती है तो आपको किसकी याद आती है? वो तो आपके अंतःकरण में मिला हुआ है। आप आंख बंद करके देखो, आपको किसकी याद आती है? दोस्त की, दुश्मन की, यार की, प्यार की। आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसमें बाहर की बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, वो है ना? तो खालिस माने बाहर की कोई दूसरी चीज न आए, इसका नाम होता है शुद्ध मान। शुद्ध अंतकरण माने मन ही मन, उसमें दोस्त दुश्मन नहीं, उसमें रुपया पैसा नहीं। हमारे सही लोग बोलते हैं भगवान का महल क्या है वो, तो उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया, संस्कृत के पंडित उसको समझेंगे, अनचकम अहलम, उसका नाम है अनचकम अहलम। अनच कमहल माने क्या होता है? व्याकरणाचार्य से पूछो, जल्दी ध्यान में नहीं आवेगा, शब्द का अर्थ ही ध्यान में नहीं आवेगा। अनच कमहलम, अनच कमहलम माने जिसमें अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार, माने सारी वर्णमाला जिसमें निकम्मी हो जाए उसका नाम है अनचक महल, अनचकम अहलम।
अयुण से लेकर के हल पर्यंत जितना प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार भी नहीं है और हल प्रत्याहार भी नहीं है, वरट से लेकर के हल तक, माने जिसमें वर्ण की गति नहीं है। यत्र वर्णान विद्यन्ते विवेक तत्र नोच्यते। भगवान का महल क्या है कि जहाँ शब्द की गति नहीं है, जहाँ शब्द का उत्थान भी नहीं है। आओ नारायण, तो उसमें उपदेश क्या है? उपदेश माने होता है इशारा, हो ये करो, ये मत करो, इसका नाम सब उपदेश नहीं होता है। ये कोई नेता जब खड़ा होता है ना, नेता, पंडित, प्रचारक, उपदेशक, ये करो, ये मत करो, इसका नाम उपदेश नहीं होता है। जिस देश में परमेश्वर है उसका पास दिखा देना उपदेश माने उपदेशनम। उप माने पास, देश माने दिखाना। जैसे दूज के दिन किसी ने पूछा चंद्रमा कहाँ है, तो आपने कहा वो पेड़ देखते हो, कहाँ का, उसके जरा पेड़ की जो ऊंची सबसे ऊंची शाखा है ना, उसके एक हाथ दूर देखो पश्चिम तरफ, तो बोले हाँ हाँ, वो हथिये की तरह चांदी का हथिया जैसे दिखता है ना, ऐसे चंद्रमा देख रहा है। तो प्रकाश जो है वो तो चंद्रमा है, और वो एक हाथ दूर नहीं है पेड़ से, हो पेड़ से हजारों हाथ दूर है, लेकिन इशारा करने के लिए वृक्ष की शाखा बताई जाती है, शाखाग्रे चंद्रः। इसी प्रकार आपका जो अंतःकरण है, शुद्ध अंतःकरण, उसके अधिष्ठान के रूप में, उसके प्रकाशक के रूप में है, जिसकी रोशनी से आपका अंतःकरण ज्ञान रूप बना हुआ है, जिसके आनंद से आपके अंतःकरण में आनंद आता है, जिसकी सत्ता से आपका अंतःकरण सत्तात्मक बना हुआ है, उसकी ओर इशारा करना। उपदेश का मतलब ये करो, ये मत करो, ये कमाओ, ये मत कमाओ, है ना? व्यापारी लोग व्यापार का काम बताते हैं, धर्मात्मा लोग जो हैं वो यज्ञ जाग करना बताते हैं, उपासक लोग ध्यान करना बताते हैं, योगी लोग अभ्यास करना बताते हैं। ये महाराज एक इशारे में बेड़ा पार, वो देखो किधर देखो, तो सामने नहीं हो, जरा भीतर देखो, ये जो तुम्हारा मन है ना, ये जो तुम्हारा अंतःकरण है, सबका अंतःकरण, मेरा तेरा इसका उसका सबका अंतःकरण, सबके अंतःकरण में है, कहाँ से आता है, अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है एक है। सबके अंतःकरण में प्रकाश, रोशनी, ज्ञान कहाँ से आता है? अंतःकरण अलग अलग है, ज्ञान एक है। सबके अंतःकरण में आनंद कहाँ से आता है? ये भोग के आनंद अलग अलग होते हैं, हो विषयों के ज्ञान अलग अलग होते हैं, देह का अस्तित्व अलग अलग होता है, देह अलग अलग है, है अलग अलग नहीं है, घट पट मठ विषय जो हैं ये अलग अलग है, विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, विषय तो उपाधिक हैं, इससे क्या हुआ? बड़ा भारी सांख्य दर्शन पर बड़ा भारी आक्षेप किया है वेदांतियों ने, अरे इतने बड़े विद्वान कपिल और इतने बड़े विद्वान सांख्य ईश्वर कृष्ण, ये क्या मानते हैं कि अंतःकरण के भेद से आत्मा भिन्न भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, भेद होए अंतःकरणों में और उनके भेद से अंतःकरण में भेद हो जाए, बल्बों में भेद हो और बिजली में भेद हो जाए, अरे अन्य निमित्तक उपाधि निमित्तक भेद की आत्मा में कल्पना करना, ये पांडित्य का उपहास है।
जन्म के भेद से, मरण के भेद से, करण के भेद से, सुख दुख के भेद से, प्रवृत्ति के भेद से, ये सब काम अंतकरण में होता है। इनके भेद से आत्मा में भेद मानना, ये सांख्य दर्शन की, योग दर्शन की सबसे बड़ी कमजोरी है। उपाधि के भेद को उपहित में आरोपित करना, अध्यस्त के भेद को अधिष्ठान में आरोपित करना, दृश्य के भेद को दृष्टा में आरोपित करना, ये तो भाई बिल्कुल दर्शन शास्त्र में उपहास के योग्य है। तो इशारा करते हैं, हो उपदेश माने इशारा होता है, दिखाना, देखना, बौद्ध दर्शन में इसको देखना बोलते हैं, देखना, देखना, दिखाना, देखना च उपदेश विधिश्चैकार वाचिना, कुमारी भट्ट का श्लोक। एक दिखा, एक बार हो महाराज, ओ एक एक खटके में, आप लोगों ने वो सुना है ना, राजा जनक गए थे अष्टावक्र के पास कि हमको तत्व ज्ञान का उपदेश करो। हे भगवान, जब वहां से विदा हुए और घोड़े पर चढ़ने के लिए अपना बाया पांव है ना, उन्होंने घोड़े के बाईं ओर जो रिकेब लटकी हुई थी ना पांव रखने के लिए, उस पर उन्होंने अपना बाया पांव रखा और दाहिना उठाकर घोड़े के पीठ पर चढ़ना था। दाहिना पांव घोड़े के दाहिनी ओर जाता। अभी महाराज उन्होंने पांव उठाया नहीं था, तब तक अष्टावक्र जी ने कह दिया, अरे जनक, तू ये नहीं है जो घोड़े पर चढ़ रहा है, यह आत्मा वाला तू नहीं है, ये दोस्त दुश्मन दुश्मन वाला तू नहीं है, बस तू तो वो है, मान मान बंधन में आयो तत्त्वमसि, ऐतदात्मिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि, श्वेत के तो जिससे ये संपूर्ण जगत अभिन्न है वो तुम्हारी आत्मा है, वो तो है। एक वाक्य ने संसार के बंधन को सर्वथा काट दिया। इसमें मालूम पड़ता है गुरु की प्रधानता है। तो कोई कहेंगे शिष्य का अंतकरण शुद्ध है इसलिए तत्काल ज्ञान हो गया, तो शिष्य ही बड़ा है। कोई कहेगा गुरु ने कृपा करके उपदेश दिया तो गुरु ही बड़ा है। ये विद्वानों के संप्रदाय में दोनों बात नहीं मानी जाती, हो दोनों गलत है, न शिष्य की प्रधानता न गुरु की प्रधानता। तो बोले वो वाक्य जिस वाक्य से तत् और त्वम की एकता का बोध हुआ है, एकता बोधक वचन की प्रधानता है। यदि गुरु भी अंत संत होगा तो क्या क्या बताता रहेगा, राम राम। जो आत्मा और परमात्मा को एक न बतावे वो गुरु कैसा, और वो शिष्य कैसा जिसने आत्मा परमात्मा की एकता को नहीं समझी। तो समझाने वाले के पास भी महावाक्य चाहिए और समझने वाले के पास उसको समझने की योग्यता चाहिए, वाक्य समझने की योग्यता हो। ये जो दिल में रोशनी है वो अनंत रोशनी है, ये जो दिल में सत है वो अनंत सत है, अपरिच्छिन्न सत है। आंख बंद करके जो सोचा जाता है ये हमारे कभी लोग जो अनंत की ओर चलते हैं वो अनंत नहीं, आंख बंद करके सोचने वो अनंत आसमान के ऊपर की ओर, तो वो नीचे की ओर, दाहिने की ओर, बाईं ओर, वो अनंत नहीं, कल्पित अनंत नहीं। जिसमें देश काल वस्तु, देश माने स्पेस हो, लंबाई चौड़ाई जगह, और काल माने टाइम हो, वस्तु माने मैटर, जिसमें दूसरा कोई मैटर नहीं है,
जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, और जिसमें आज कल परसों उम्र नहीं काल नहीं है, तो वो तुम हो। इस अर्थ का बोधक जो वाक्य है, उस वाक्य का अर्थ समझ ले तो सच्चा चेला, उस वाक्य का अर्थ समझा दे तो सच्चा गुरु, और वो वाक्य न हो, उस वाक्य का अर्थ न हो तो गुरु भी झूठा, चेला भी झूठा। न गुरु गुरु है, न चेला चेला है। तो इसी से विद्वानों की परंपरा में ऐसा मानते हैं कि गुरु अज्ञानी हो भले हो, रहने दो गुरु को अज्ञानी, वो जब वाक्यार्थ समझा रहा है उसको यदि शुद्ध अंतःकरण वाले शिष्य ने ठीक ठीक समझ लिया, जह बजह लक्षणा से, तो शिष्य ज्ञानी हो जाएगा, गुरु अज्ञानी रह सकते और गुरु ज्ञानी हो और वाक्यार्थ को समझावे, लेकिन शिष्य का अंतःकरण जो है वो व्यक्तिगत उत्कर्ष को चाहता हो, और हमारी जात पूज जाए, नहीं वाक्य काम नहीं करेगा। एक बार की बात है, ईश्वर की कृपा से गंगा जी के किनारे हम लोग रात के वक्त बैठे हुए थे, चार पांच साधु थे, हम भी दाढ़ी वाड़ी रखते थे, हाँ दाढ़ी रखते थे, और सिला कपड़ा नहीं पहनते थे, कंजी वंजी कुछ नहीं पहनते थे, केवल कोखटी का चद्दर ओढ़ते थे, कोखटी का चद्दर दाढ़ी भरी हुई। नारायण, रात को 12-1 बजे थे, गंगा किनारे हम लोग बैठे हुए थे, सत्संग हो रहा था, एक साधु ने कहा कि जिसको जो चाहिए सो मांग लो, हम वरदान देते हैं। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। एक महाराज अली राजपुर के सज्जन है, वो अभी हैं, आते हैं, अभी उनकी चिट्ठी हाल में 2-4 दिन पहले आई। उन्होंने कहा हमको बिना किसी शर्त के किसी समय भगवान का दर्शन करा दो। अब तो वरदान तो मांग लिया उन्होंने, और जिसने मांगा उसको वो चीज मिली, अब उनका वरदान कैसे पूरा हो। अच्छा हो भाई, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु बिना किसी शर्त के इसी समय दर्शन देने के लिए पधारो। अब महाराज महात्मा जी तो रोने लगे, है ना, हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ, तुम्हारे दर्शन के बिना आंखें प्यासी हैं, दिल तड़प रहा है, हमारी प्रतिष्ठा हमारी इज्जत की बाजी लग गई है, हे प्रभु आओ आओ। वो रोने लगे, सब लोग रोने लगे, हो है ना। हे भगवान, थोड़ी देर में क्या हुआ, शरीर में रोमांच हो, कई लोगों के शरीर में रोमांच हुआ, खुश हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान तो आ गए, आ गए, अब दर्शन का प्रश्न है, बिना किसी शर्त के दर्शन होगा। लेकिन भगवान एक बात कहते हैं कि शर्त नहीं है, सूचना दे दो कि जब हमारा दर्शन बिना साधन के, बिना भजन के, बिना अभ्यास के, बिना तपस्या के, हम तुमको दर्शन देंगे, तो अब तक के जो तुम्हारे पुण्य हैं वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे, अनादिकाल से अब तक के जितने पुण्य हैं सब खत्म हो जाएंगे, तो इसके बाद जो तुम्हारा जीवन होगा, है ना, शरीर में कोढ़ हो जाएगा, आंखें अंधी हो जाएंगी, नाले में पड़ना पड़ा रहना पड़ेगा, लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे, अरे वो जो सज्जन थे ना, वो पहले तो उनके भी रोमांच हो रहा था, आंख में आंसू थे, है ना, और आसन से बैठे थे, ध्यान उनका आसन खुल गया हो, तो बोले महाराज ठहरिए, ऐसा भी नहीं, ठहरिए। सब महात्मा ने पूछा कि फिर तुम क्या चाहते हो, कि भगवान मिलने से क्या होगा। बोले हम चाहते थे कि भगवान हमको मिल जाएंगे तो जैसे उड़िया बाबा जी की लोग पूजा करते हैं और उनकी इज्जत होती है, हैं,
है, वैसे हमको भी चंदन लगेगा, फूल माला चढ़ेगी, लोग प्रणाम करेंगे, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। माने भगवान को चाहते काहे को लिए हैं, अपने शरीर की पूजा करवाने के लिए। ये जो व्यक्ति को जीवन मुक्त बनाने की अभिलाषा भी है, समाधिस्थ करने की अभिलाषा भी है, हैं? लोग समझते नहीं है हो, शरीर को जीवन मुक्त बनाने की इच्छा भी सांसारिक इच्छा है, शरीर को समाधिस्थ बनाने की इच्छा भी शारीरिक इच्छा है, शरीर को कल्पजीवी बनाने की इच्छा भी शारीरिक इच्छा है। अरे बाबा, शरीर में जो मैं है उसको छोड़कर परमात्मा से एक अपने को जानने के लिए, अरे मेरे बाप, है ना। इसके बाद ये अविद्यावृतं तत्त्वं वेत्येवं उपदेशतः, ये जो तत्व है ये आपको बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, ये पाप से ढका हुआ नहीं है, पाप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अद्वितीय ब्रह्म को ढक ले। वो शरीर से भी ढका हुआ नहीं है, शरीर जरा सा ही क्या ब्रह्म को ढकेगा, कहीं आसमान हाथ से ढकता है, अपनी आंख ढकती है। ईश्वर को ढकने का सामर्थ्य न पाप में है, न शरीर में है, न वासना में है, है ना। जब तक क्या अविद्या ढकती है, क्या अविद्या भी नहीं ढकती है। तब क्या है ढक्कन, क्या है, आप लोगों ने वो मंत्र तो सुना ही होगा ना, ईशावास्य उपनिषद का मंत्र, यहाँ तो पाठ होता है ईशावास्य। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं तत्त्वं भूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। परमात्मा पर पर्दा है ये सोना हो, सोना हिरण्मयेन पात्रेण, सोने का ढक्कन है जिससे सत्य का मुंह ढक गया है। हिरणमय न पात्र न, हिरणमय पात्र से, सोने के बर्तन से सत्यस्य मुखम अपिहितम, पिहितम अपिहितम पिहितम, का लोक कभी होता है कभी नहीं होता है, भागुरी मत से अकार का लोक होता है, अपिहितम यहाँ तो अपिहितम है। लो असल में सत्य, सत्य का मुख ढक गया है, ये जो हमारे अंतःकरण में भ्रम है, अविद्या अस्ति इति अविद्यायाम एवासित्वा प्रकल्प्यते, हम अज्ञान दशा में बैठ करके ही अज्ञान है ऐसी कल्पना करते हैं। परमात्मा को ढकने वाली कोई चीज नहीं है, परमात्मा का जब ज्ञान होता है ना तो कोई नया विज्ञान, नया आनंद उत्पन्न नहीं होता है। परमात्मा मिलेगा तो बड़ा भारी विज्ञान हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा तो बड़ा भारी आनंद हो जाएगा। नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम व आनंदांतरम व उत्पद्यते, आचार्य शंकर बोलते हैं मोक्ष दशा में कोई नवीन विज्ञान, नवीन आनंद उत्पन्न नहीं होता। बस होता क्या है कि महावाद के जन्य जो ब्रह्मात्मैक्याकार वृत्ति है, वो अविद्या के ढक्कन को नहीं, अविद्या है, अविद्या थी, अविद्या है, अविद्या रहेगी, इस भ्रम को मिटा देते हैं। नासी दस्ति भविष्यति, अविद्या न कभी थी, न है, न होगी। और आपको तीन बात प्राप्त हो जाएगी, अपूर्व वैदुष्य, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान, मूर्खता बिल्कुल मिट जाएगी, और परम स्वातंत्र, किसी भी पराधीनता,
स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, परम स्वातंत्र। ये जो धर्म की गुलामी, मजहब की गुलामी, जाति की गुलामी, भाषा की गुलामी है, देवता की गुलामी, किताब की गुलामी है, विषय की गुलामी, वासना की गुलामी, वृत्ति की गुलामी, समाधि की गुलामी, ये जो गुलामियों से गुलामियों पर जंजीर की जंजीर पर जंजीर, गुलामी पर गुलामी जो अपने जीवन में मालूम पड़ती है, ये सब एक धक्के में, एक झटके में सब की सब टूट जाएगी। अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। तो नारायण अपूर्व वैदुष्य, पूर्ण स्वातंत्र्य और निर्भयता, एस स्वराट भवती, एस सम्राट भवती, उपनिषद कहती है तुम स्वराट हो जाओगे, तुम सम्राट हो जाओगे, तुम अधिपति हो जाओगे विश्व के, सर्व के त्याग में सामर्थ्य। बस देह में ऐसा अभिमान है कि हम ब्रह्म ज्ञान भी चाहते हैं, देह को संवारने सजाने के लिए, देह को रखने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं कि देह बना रहे, देह को संवारने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, लोक के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं। कस्या पिता बताइए, शरीर का मोह, लोक का मोह, लोक का मोह, शास्त्र का मोह, देह वासनया जंतो हो, शास्त्र वासनया पिच, लोक वासनया ज्ञानम यथावन नैव जायते। यदि मन में देह की वासना हो, शास्त्र की वासना हो, लोक की वासना हो, तो यथावत ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। ज्ञान होने पर तीन बात नहीं रहती, भाषा का मोह, जाति का मोह और शास्त्र का मोह। जाति का मोह, मजहब का मोह, देश का मोह, ज्ञान हुआ और कट गया।